भारत और तंजानिया के बीच संबंधों को नया आयाम देने के लिए तंजानिया के राष्ट्रपति जकाया मिश्रो किकवेते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच राजधानी दिल्ली के हैदराबाद हाउस में व्यापक बातचीत हुई। बातचीत में द्विपक्षीय मसलों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के तमाम मसलों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। बातचीत के दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद से मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने का भी निर्णय लिया। टेररिज्म इन अवर रिस्पेक्टिव रीजन इज अ कंसर्न फॉर बोथ कंट्रीज। वी हैव एग्रीड टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप टू स्ट्रेंथन अवर कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म। भारत ने तंजानिया के लोगों के लिए ई पर्यटक वीजा सुविधा देने का निर्णय किया। भारत ने प्राकृतिक गैस क्षेत्र में संभावनाओं का दोहन करने के लिए उसे अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध कराने की पेशकश की। तंजानिया के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में दोनों देशों का साझा हित है। दोनों देशों ने आतंकवाद से मुकाबला और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति जताई। तंजानिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया, जिस पर पीएम ने तंजानिया को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने संसाधन, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचा विकास समेत विभिन्न क्षेत्रों में तंजानिया के साथ साझेदारी के विकास की भी घोषणा की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि तंजानिया के साथ व्यापार दोनों देशों के हित में है। उन्होंने राष्ट्रपति किकवेते से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और निर्यात के लिए रास्ता खोलने की अपील की, ताकि आर्थिक व्यापारिक सहयोग को विस्तार मिल सके। दोनों देशों के बीच फिलहाल व्यापार $4 अरब से ज्यादा का है, जो भारत के पक्ष में झुका है। इंडियन इन्वेस्टमेंट इन तंजानिया exceed $3 billion and cover many areas. Indian investors are ready to invest more in Tanzania that would support Tanzania's development and trade. तंजानिया ने भी कहा है कि वे भारत के साथ निवेश को और भी बढ़ावा देने को तैयार हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति के मुताबिक भारत में निवेश करने का माहौल काफी अनुकूल है और इससे दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने में काफी आसानी होगी। तंजानिया सरकार ने निवेश के लिए भारतीय कंपनियों को आमंत्रित किया है। दोनों देशों ने विविध क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने के लिए 8 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। इन सहमति पत्रों में एक पाइपलाइन परियोजना के विस्तार के लिए $26.83 करोड़ की ऋण सुविधा के लिए एक्जिम बैंक और तंजानिया सरकार के बीच ऋण का एक समझौता है। इसके अलावा हाइड्रोलॉजी, पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में सहयोग के समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। सरकारी आंकड़ों को लेकर भी दोनों देशों के संस्थानों में भी समझौता हुआ है। तंजानिया के राष्ट्रपति का ये जो दौरा है एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक पड़ाव जिसकी वजह से एक तरफ तो तंजानिया की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी, दूसरी तरफ भारत की मैरिटाइम जो सिक्योरिटी है उसमें भी मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन नायर के साथ सिद्धांत सिब्बल, DD News, नई दिल्ली।